हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल दैट्स योर बॉय दिवेश सिंह। सो आज हम करने वाले हैं अपनी ड्यूक 390 की स्क्रीन के ऊपर एक प्रोडक्शन लगाएंगे। सो ये ब्रांड ने प्रोडक्शन मंगा लिया है अमेजोन से। सो इसको हम जो है इसकी स्क्रीन पर लगाएंगे, और पहले से मैंने उस पर कुछ थोड़ा सा लगा रखा है, एक जो है छोटा सा स्क्रीन गार्ड जैसे लगा रखा है, पर उसको निकाल के इसको लगाएंगे क्योंकि ये प्रॉपर उसकी कटिंग के हिसाब से है। सो इसको लगा के देखते हैं। और हाँ, कल थी जन्माष्टमी, सो कल यहाँ पे दिल्ली में हूँ मैं इस टाइम, तो दिल्ली में बहुत सारे मेला वगैरह जो बोल सकते हैं वो सब चीज़ें लगे हुए थे। बहुत सारे मतलब लोग जो है पूरा सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे थे, रात को 12 बजे तक खूब भीड़ थी पूरा। सो उसके मैंने कुछ शॉट्स वगैरह लिए हैं, तो वो तुम देखो जब तक, और उसके बाद फिर हम लगाते हैं इसको अपनी बाइक पे। और बाइक खड़ी है बाहर, बाइक गंदी हो रही होगी तो उसको जज मत करना, क्योंकि बारिश का टाइम है, गंदी होती रहती है बाइक, ठीक है। तो अभी तुम शॉट्स देखो, उसके बाद मैं तुमको ये प्रोडक्शन लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। चलो फिर बाइक पे स्क्रीन गार्ड लगाने से पहले हमने जो पहले उस पर एक प्रोडक्शन लगा रखी है वो हटानी पड़ेगी। और वो जो है वो नॉर्मली जो आती है पेपर सा, जो पहले चढ़ाया करते थे बहुत, जब स्क्रीन गार्ड नहीं आया करते थे उस टाइम पे, जो एक पन्नी सी लगा देते थे उसको मुझे नहीं पता क्या बोलते, मैं भूल गया हूँ। सो वो मैंने लगा रखी थी बाइक के ऊपर, काट के अपने हिसाब से लगा लेते थे, ठीक है। तो वो लगाने से क्या होता है, जब हम उसको निकालते हैं तो उसका ग्लू जो है वो वहीं स्क्रीन पर रह जाता है, तो बाइक पर जो ग्लू है वो रह गया है, तो उसको भी साफ़ करना है। तो सबसे पहले उसको निकालते हैं और फिर उसके बाद उसके ग्लू को साफ़ करते हैं, और उसके बाद हम इसमें लगाएंगे स्क्रीन गार्ड। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और ये ध्यान रखें कि उसमें जब भी स्क्रीन गार्ड लगाएं तो उसकी जो बबल्स हैं उनको अच्छी तरीके से उसमें से निकाल दें। एक आध बबल रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो स्क्रीन जो है वैसे भी बाइक में लगी हुई है, कोई मोबाइल की स्क्रीन तो नहीं है, तो एक आध बबल चल जाता है। और वैसे भी मैंने सुना है कि थोड़ा हीट के साथ, मतलब थोड़ा एक या दो दिन में तो थोड़े बहुत बबल्स तो चले भी जाते हैं। सो हमारी बाइक में जो है एक आध बबल रह गए तो उसको थोड़ा सा हम इग्नोर कर सकते हैं। बाकी अभी जो लास्ट का काम है उसको देख लेते हैं कि उसकी फिनिशिंग करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसी लगती है। तो स्क्रीन गार्ड का जो काम है वो पूरा हो चुका है, और ये जो स्क्रीन गार्ड है ये मैंने मंगाया था अमेजोन से, और इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना, अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक को। सो बस यही है स्क्रीन गार्ड के अंदर। और अब जो इसकी स्क्रीन है वो ज़्यादा क्लियर दिख रही है पहले वाले जो है प्रोटेक्शन से, क्योंकि भाई ये एक प्रॉपर स्क्रीन गार्ड है और वो नॉर्मली देसी जुगाड़ था, ठीक है। सो वो हमने हटा दिया, अब ये लगा दिया, उसकी स्क्रीन और ज़्यादा अच्छी मेरे को दिखाई देगी। और जब वीडियो बनाएंगे, मोटो ब्लॉग करेंगे, तो उसमें भी उसकी जो विजिबिलिटी है स्क्रीन की वो
काफ़ी अच्छी जो है देखने में लगेगी। सो अब बस प्रोटेक्टेड भी है स्क्रीन, और जिस टाइम पे मैंने बाइक ली थी उस टाइम पे इसके प्रोटेक्शन वगैरह इंडिया में अवेलेबल नहीं थे ड्यूक 390 के, जितना मुझे याद है, क्योंकि मैंने अमेजोन पे पूरे जो है ट्राई किया था, सो वो नहीं मिल रहे थे। बाहर की कोई वेबसाइट वगैरह थी जो कि US वगैरह से इम्पोर्ट कर रही थी, तो वो उस टाइम पे बहुत महंगे महंगे थे, 800-900 रुपये के थे। सो मैंने सोचा कि इतना महंगा मंगाने का कोई जरूरत है नहीं, अब तो सस्ते मिल रहे हैं अमेजोन वगैरह, तो आप वहाँ से ले सकते हो, और बाकी लिंक चाहो तो नीचे मैं दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी मंगा सकते हो। अब मुझे आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट बात और करनी थी, सो वो ये है कि जैसे ये जो वीडियो बहुत छोटी सी वीडियो है, इस वीडियो को मतलब एक तरीके से मैं यहाँ खत्म कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, सो बहुत छोटी सी वीडियो है, तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी वो जरूर कमेंट में बताना, लाइक करना, और अगर अच्छी लगे तो शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब तो आई थिंक कर रखा होगा, नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। पर मतलब इस वीडियो को अगर तुम्हारी ये वीडियो अच्छी लगी, बहुत छोटी सी वीडियो है, अगर अच्छी लगी है तो ऐसी वीडियोज मैं हर रोज या हर दूसरे दिन डाल सकता हूँ, क्योंकि छोटा कंटेंट बनाना आसान है। क्योंकि जब मैं सोचता हूँ कि मैं बड़ी वीडियो बनाऊँ, 10 मिनट, 12 मिनट या फिर 15 मिनट की वीडियो जो नॉर्मली मैं बनाता हूँ, सो उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है, उसके लिए कभी कभी वो वीडियो पूरी नहीं हो पाती, फिर 1 या 2 दिन 3 दिन शूटिंग वगैरह में निकल जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बीच में और भी काम होता है, सो फिर उसके बाद उसका एडिटिंग का, और उसके लिए फिर सॉन्ग वगैरह गाने वगैरह ढूंढो, तो थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है उसमें, ठीक है। अगर अच्छी वीडियो बनाने जाए, नॉर्मली तो फिर 10 मिनट की एक दिन में ही बना सकते हैं, पर एक अच्छी वीडियो बनाने जाए तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ ऐसी छोटी वीडियोस जो हैं जो कि 5 या 6 मिनट की होती हैं, सो वो वीडियोस तो मैं नॉर्मली हर रोज़ या हर दूसरे दिन भी डाल सकता हूँ, और उसमें मैं नॉर्मल जो मेरी लाइफ में होता है वो सब चीज़ें दिखाऊंगा, क्योंकि हर रोज़ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कुछ एक्साइटेड हो जाए लाइफ में, हर रोज़ डेली किसी की लाइफ में कुछ भी एक्साइटेड नहीं होता, बस हाँ ये जो भी चीज़ हुआ है उसको मैं थोड़ा सा एक्साइटेड करके दिखाने की कोशिश करूँगा, पर हाँ इतना उस पर तुम सोच विचार करके उसको इतने अच्छी तरीके से नहीं दिखा सकते जब तुम रोज़ दिखाने पे आओगे। ये तुम्हें भी बताएगा कि जो डेली ब्लॉगिंग है उसमें इतना एक्साइटमेंट नहीं, वो ये टाइटल को तुम एक्साइटमेंट बना सकते हो, मतलब कि क्लिक बेट वगैरह कर सकते हो, पर उसमें मतलब वीडियो में तो बात वही रहने वाली है, ठीक है ना। तो तुम सोचो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है, मतलब अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसी 5-5 मिनट की वीडियो हर दूसरे दिन डालूँ, अगर तुम बोलोगे तो मैं हर दूसरे दिन वीडियो डालना स्टार्ट करूंगा ऐसे छोटी छोटी वीडियो, और नहीं तो फिर देखो थोड़ा फिर वीडियोस लेट आया करेंगी 4 या 5 दिन में, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सोचना भी पड़ता है कि क्या बनाए, कुछ ऐसा जो थोड़ा अच्छा भी लगे, और सब कुछ ड्रोन व्रोन उड़ाना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, सो वो तुम बताओ, या फिर दोनों का मिक्सचर करें वो भी तुम नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। सो बस इस वीडियो में इतना ही, अभी जाना है मेरे को जिम, क्योंकि शाम हो चुकी है, और हाँ मैंने जिम जो है अब यहाँ आके लगा लिया, पहले नोएडा में लगाया था पर वहाँ में जा ही नहीं पाया था क्योंकि मैंने शिफ्ट कर दिया था, अब हम आ चुके हैं तो डेली, आपको पता ही है बहुत लोगों को तो पहले से पता है। सो अभी जो है मैंने यहाँ जिम लगा लिया है, तो अब मैं जिम जा रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब पेट हो गया है ज़्यादा, अब पेट को अंदर करने की बारी आ चुकी है, अब थोड़ा सा फिटनेस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अब बॉडी बोल रही है कि बेटा अब नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो वाली बात है, तो अभी फिटनेस पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो अब जिम जा रहे हैं, और बस आप अगली वीडियो में मिलते हैं। सो इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा, और हाँ बाय बाय, चलो फिर जा रहा हूँ मैं जिम क्या बात कर, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।